ये देखिए चना भून के तैयार हो गए हैं। इन्हें भूनने में देखिए बहुत टाइम नहीं लगता है, देखिए कितनी आसानी से हम घर पे इन्हें भून के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्य किचन में आपका स्वागत है। आज हम ये जो चना है इसको हम घर पे भूनेंगे बगैर रेत के। तो इसके लिए हमने ये काले वाले चने होते हैं तो ये हमने लिए हैं। तो एक कटोरी हमने चना लिया है। तो सबसे पहले हम इसको एक प्लेट में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ऐसे भिगा के रख देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस इसको हम हल्का सा भिगा देंगे ताकि थोड़ा सा नमी इसमें आ जाए। चने जो हैं थोड़ा सा फूल हैं, बहुत पानी नहीं डालना है हमें। ये देखिए 15 मिनट हो गए, चना भी सॉफ्ट हो गए थोड़े से। तब इनको हम चलते भूनने के लिए। तो देखिए कढ़ाई में हमने ये 1 कप नमक लिया है। तो नमक को हमने पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, तो अच्छे से गर्म हो गया ये। तो इस पर हम ये एक एक थोड़ा थोड़ा चना डालते जाएंगे, पर हमें बहुत ज़्यादा चने नहीं डालना है और थोड़ा थोड़ा करके इनको हमें भून लेना है। इसकी फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए चना फूटने लगे हैं। देखिए हमें इन्हें हल्के हल्के चलाते रहना है इसमें, और चना थोड़ा ही थोड़ा डालना है। देखिए ये हम घर पे आसानी से इसको भून करके खा सकते हैं। ये देखिए चने अच्छे से इसमें भून गए हैं। देखिए इनका छिलका भी निकलने लगा है। ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी देखिए इसमें भून जाते हैं। तो जब भी गरम गरम चना खाने का मन है तो आप आसानी से घर पे भून सकती हैं। तो देखिए इस टाइप से हम भून लेंगे, इनको हम निकाल लेंगे इसमें, बाकी दूसरे भी हैं उनको भी भून लेंगे हम। इस टाइप से करके ताकि जितने भी इसमें चने निकल आए। ये देखिए चना भून चुके हैं। तो ये देखिए ये सारे चने अच्छे से भून गए हैं। तो इनको हम निकालेंगे, इसको जो छिलके हैं इनको हम बाहर निकाल देंगे। थोड़े जो बहुत बचे हैं इसमें इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। तो देखिए इस टाइप से हम सारे चने हमने भून लिए अपने। देखिए ये देखिए चना भून के तैयार हो गए हैं। इन्हें भूनने में देखिए बहुत टाइम नहीं लगता है, देखिए कितनी आसानी से हम घर पे इन्हें भून के खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें।